सो दिस इज माई चेकलिस्ट नंबर 2. ये काम करके इतनी ज्यादा खुशी, मन को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. एग्जिस्टिंग फर्नीचर को हम एज अ न्यू फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं. आई एम एक्साइटेड. Guys, so welcome back to my channel. So today I'm just randomly vlogging. मुझे ऐसे ही लगा कि vlog करना चाहिए, so that's why I'm just vlogging. So right now I'm just going for ये hardware electrical वाले की जो shop होती है उसमें, because I just got these two. ने I think ये pin interest पे बहुत देखा होगा इस तरह का, you know. तो इसको मुझे connectivity करवानी है और इसके लिए मुझे bulbs लेने हैं और भी मुझे कुछ कुछ सामान लेना है. तो हमारे पीछे काफी you know सस्ता वाला जो affordable market होता है ना, नॉर्मल मतलब मेरे राइट हैंड साइड पे मॉल है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम टिपिकल वाला जो मार्केट होता है वो है. सो आई एम गोइंग टू दैट मार्केट टू बाय दोज थिंग्स और फिर उसके बाद आकर के मैं आप लोगों से मिलती हूँ. टिल देन हाय गाइस. सो आज है, कल मैंने व्लॉग किया था उसके बाद सीधे मैं आज कर रही हूँ. तो आज मैं जाने वाली हूँ, मैं बहुत टाइम से इस जगह पे जाना चाहती थी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम से मैं जाना चाहती थी. बट मैंने बात भी करी थी एक दो बार, बट मैं जा नहीं पाई थी. एंड फाइनली आज भी मैं जाने नहीं वाली थी, बट एकदम से ना मेरे दिमाग में जस्ट आया, मैंने उन लोगों को कॉल किया, मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मैं आ रही हूँ मिलने के लिए. एंड दे वर लाइक ओके. तो मैं जा रही हूँ ऑर्फिनेज और मेरा बहुत मन था, बहुत टाइम से मेरा मन था ऑर्फिनेज जाने का, बट मैं जा नहीं पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस एंड ऑल. तो आज मैं वहीं पर जाने वाली हूँ और मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ. अभी जस्ट मैंने उनसे बात करी कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, बिकॉज मैं कुछ लेकर के जाऊँगी डेफिनेटली उन लोगों के लिए. तो मैंने उनसे पूछा कितने बच्चे हैं, क्या है, किस एज के रेंज के हैं. तो वहाँ पर सारी लड़कियाँ हैं. सो दूसरा एक और ज़्यादा मैं अटैच्ड हो गई उस चीज़ से, बिकॉज यू नो आई लिटरली लव गर्ल्स. मेरे आपने डांस क्लास में भी देखा होगा, सब लड़कियाँ आती हैं. आई थिंक एक लड़का आता था, उसने भी आना बंद कर दिया. सब लड़कियाँ आती हैं एंड आई हैव अ पर्सनल अटैचमेंट विद गर्ल्स. तो मेरे को लड़कियों के लिए है और मैं ये सारे जितने भी आप क्लोथ्स देख रहे हो ये सब मैं लेकर के जा रही हूँ वहाँ पर. जो छोटे बच्चे हैं उसमें दो लड़कियां छोटी हैं, 5 से 6 एज तक की हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है. तो मैं उनके लिए चॉकलेट्स और कुछ खाने पीने का सामान लेकर के जाऊंगी. बाकी सब मैं कपड़े लेकर के जा रही हूँ. अभी मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं उस हिसाब से लेके जा रही हूँ. फिर डेफिनेटली मैं विक्की को भी लेकर के जाऊँगी वहाँ पर एंड देखते हैं. तो मैं आज आप लोगों को अपने साथ वहाँ पर लेकर के चल रही हूँ. सो दिस इज़ माई चेकलिस्ट नंबर 2 और एक और काम है मेरा. अगर वो वहाँ पर उन लोगों ने परमिशन दे दिया तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ. सो या ओके. सो आई एम बैक और मैं ऑर्फिनेजेस गई थी अपने घर के जो नियर बाय ऑर्फिनेज हैं, 5-6 किलोमीटर्स नियर बाय थे. तो मैं दो ऑर्फिनेज गई थी और एक में तो मैंने कपड़े डोनेट करे, जहाँ पर 23-24 अराउंड स्ट्रेंथ थी बच्चों की, लड़कियाँ थी वहाँ पर. उसके बाद मैं एक और ऑर्फिनेज गई थी जो कि काफ़ी बड़े स्ट्रेंथ में था, उसमें 150-160 गर्ल्स थी और 6 से लेकर के 18 एज तक की एज ग्रुप था. तो वहाँ पर मैंने डोनेट तो नहीं किया है, बट बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं ऑर्फिनेज में जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ के बच्चों को डांस सिखाऊं और इट्स लाइक अ सर्विस फ्रॉम माय साइड. तो वो जो बड़ा वाला ऑर्फिनेज था जिसमें 150 गर्ल्स थे, वो तो काफ़ी बड़े लेवल पे और मुझे ऐसा लग रहा था उसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी. तो वहाँ पर जो डांस इंस्ट्रक्टर्स अभी डांस सिखा रहे हैं, दे आर पेड डांस इंस्ट्रक्टर्स और मैंने वहाँ पर अप्रोच किया है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो लेट्स सी, उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं, जो उनकी हेड सिस्टर हैं, वो बात करेंगी, देन मुझे कॉल करेंगी एंड ऑल दैट. मैं उनको रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि दैट आई वॉन्टेड टू डू दिस, मुझे प्लीज़ आप वो करो एंड ऑल दैट, ऐसे करके जैसे एक एप्लीकेशन नहीं देते जॉब का, उस तरह से मैं उनको रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि मेरा बहुत मन है और मुझे ये चीज़ करना है और ऐसे करके. और जो दूसरा वाला है वहाँ तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, वहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है फेब्रुअरी से, क्योंकि अभी उन लड़कियों के एग्जाम्स चल रहे हैं. सो यस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू और ये मेरी बकेट लिस्ट में था. मैं उनसे सब इंक्वायर कर रही थी कि कैसे यहाँ पर फंडिंग होती है, कैसे खाना पीना होता है, कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे इनके पढ़ाई कपड़े एंड ऑल, कैसे ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, वो सब पूछ रही थी मैं. तो मुझे बहुत ही सुन करके बहुत वैसा लग रहा था. अब प्लीज़ आप मुझसे नाम मत पूछिएगा कि मैं कौन से, क्योंकि जब मैंने डोनेशन वाला अपने कपड़े जिनको मैं डोनेट करती हूँ वो भी मैंने पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने उन सर्विसेज के नाम पूछे थे. गाइस, यूज़ योर फोन, जस्ट गूगल इट. आप गूगल करोगे आपको सब कुछ आ जाएगा. मुझे भी कोई बताता नहीं है, मैं सिर्फ गूगल करती हूँ नियर बाय लोकेशन, वहाँ पर कॉल करती हूँ. कम से कम 6 ऑर्फिनेजेस में मैंने कॉल किया था, जहाँ पर 2 में मेरा कॉल लगा और उनसे मेरी बात हुई और मैं आज चली गई तुरंत. सो ऐसा मुझे बहुत इतना
मतलब मुझे ये काम करके इतनी ज्यादा खुशी, एक मन को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मैं जब आ रही थी तो मैं विकी से बात कर रही थी, विकी मुझसे पूछ रहा था कैसा लगा, क्या डील हुआ एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वहाँ पर जो पेड डांसर्स ऑलरेडी हैं, वहाँ के डांस इंस्ट्रक्टर्स जो पेड हैं, तो मैंने ऑफर रखा दैट आई वांटेड टू यू नो गिव सर्विस टू देम, और मैं एक वीक में मैं 2 घंटे के लिए जाऊंगी वहाँ पर। वो दिन कौन सा होगा वो लोग डिसाइड करेंगे फॉर श्योर। एंड यही है, यही अभी का अपडेट है। और अभी मैं फटाक से Q&A वीडियो जो है वो शूट करने के लिए जा रही हूँ। आई थिंक वो वाला वीडियो पहले आएगा, ये वाला वीडियो उसके बाद जाएगा, क्योंकि आई एम प्लानिंग कि वो मेरी वीडियो कल ही पोस्ट हो जाए। बहुत दिन पहले मैंने Q&A का वो किया था और बहुत बम की तरह क्वेश्चंस मेरे पास आए, तो वो आप Q&A ज़रूर देखिएगा। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, बिकॉज मैं रेडी वगैरह होती हूँ Q&A के लिए, एंड देन वो शूट करूँगी मैं। So, hi guys, I'm all set for my Q&A video and I have not applied any kind of lenses, but aapko kuch alag alag sa effect lag raha hai. It's because I have applied blue color ka mascara and it is looking amazing. Matlab black liner lagaya hai aur uske upar maine blue mascara lagaya hai and you can see the difference. Yes, I'm just going to shoot my Q&A aur uske baad fir main aap logo se milti hu. Hi guys, so I just received this green sticks or bloom sticks by Lazy Gardener. So basically, अगर आप नहीं जानते हैं लेजी गार्डनर को, तो इनका एक काफ़ी बड़ा सा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो कि दिस आर लाइक अ प्लांट स्टिक। आपको सिर्फ अपने प्लांट्स के अंदर इसको अंदर इंसर्ट करना होता है एंड देन उनको न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें मिलती है प्लांट्स को। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस स्टिक्स, आई एम प्रिटी एक्साइटेड बिकॉज आई एम एन एब्सोल्यूट प्लांट लवर। और लेट्स सी कि इनसे प्लांट्स को अगर लिटरली बहुत फ़ायदा होता है तो ये तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डेफिनेटली 1 मंथ के बाद आपको अपडेट दूंगी प्लांट्स के ऊपर, फिर से मैं बताऊंगी। तो ऑल दो माई प्लांट्स आर डूइंग प्रिटी वेल, बट एक दो प्लांट्स जो हैं जो थोड़े से डल कर रहे हैं, लाइक आई हैव 2 पीस लिलीज। तो एक पीस लिली तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो एक पीस लिली है वो थोड़ी सी अपसेट सी मुझे दिख रही है। मतलब उसकी जो लीव्स हैं दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी अपसेट। और उसके बाद जो मुझे फर्न्स वाला प्लांट दिख रहा है, उसकी भी जो नीचे की बॉटम लीव्स हैं दे आर ऑल्सो लुकिंग अपसेट टू मी। सो लेट्स सी। तो ये दो तरह की इनकी स्टिक्स आती हैं, ऑल पर्पस प्लांट फूड। तो एक आप ये जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ऑल पर्पस प्लांट फूड, और इस तरह की ग्रीन कलर की स्टिक्स हैं, ये प्लांट फूड्स के लिए है। और ये वाला फ्लावरिंग ब्लूम स्टिक्स जो है, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं लाइक रोज होगा या जिन भी प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं उसमें आपको ये लगाना है। तो यहाँ पर आई हैव केप्ट ऑल द प्लांट्स। तो मैं आपको बताती हूँ, ये वाले प्लांट की मैं बात कर रही थी जिसकी लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट सी हो रही हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो टर्निंग येलो। सो आई डोंट नो, जनरली जो येलो लीव्स टर्न होती है तब उसका इंडिकेशन ये होता है कि प्लांट को पानी प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, बट मैं पानी दे रही हूँ। और जो ब्राउन लीव्स होती है इसका मतलब ये होता है कि ओवर वाटरिंग हो रही है। तो इसके साथ दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। तो अब इसको क्या चाहिए, ये थोड़ा सा मूडी टाइप का प्लांट लग रहा है मुझे। सो स्टिक्स होती हैं और इनको आपको क्या करना होता है, ये आपने प्लांट लिया तो एक आपको ऐसे पूरा इंसर्ट करना है। नाउ आई विल एडिट माई वीडियो एंड आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम, टिल देन। दिमाग में कुछ DIY आया है अमेजिंग सा, अभी नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ DIY इट इज। सो मैं देख रही हूँ, विक्की ने अभी मुझे शेयर नहीं किया कि वो करने क्या वाला है, सो आई एम जस्ट चेकिंग कि क्या होने वाला है। लेट्स सी क्या करने वाला है विक्की इसका। ये मैंने पहले निकाल लिया, फर्स्ट टाइम। सो
सो बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये है फोल्डिंग टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं. तो लेट्स सी, अभी तो विक्की ने मुझे पूरा प्लान बताया तो आई अग्रीड. मैं बहुत कम होता है कि मैं एक बार में अग्री हो जाती हूँ, मैं बहुत एक्सप्लेनेशन मांगती हूँ, बट अभी मुझे ठीक लग रहा है ये, तो आई थिंक ये हो भी जाएगा. सो लाइक हम इसमें स्टोरेज भी बनाने वाले हैं नीचे, तो कम पैसों में हमारा काम हो जाएगा. मतलब एग्जिस्टिंग फर्नीचर को हम एज अ न्यू फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं. आई एम एक्साइटेड. हालत में मतलब मैं तो बिल्कुल, मेरी शक्ल भी ऐसी हो रही है, बाल वाल, लुक इन माई हेयर एंड लुक इन माई कंडीशन. तो ऐसे ही हम लोग कारपेंटर के पास जा रहे हैं, एक बंदे को जानता है विक्की, उससे बात करी, उससे हम छोटे मोटे काम करवाते हैं. मानपाड़ा में उसका शॉप है तो हम वहाँ जा रहे हैं एंड लेट्स सी भगवान जाने क्या होने वाला है. मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है. फिनिशिंग माई ब्लॉग हेयर और आगे देखने के लिए कि आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बिकॉज अभी हम लोगों ने कुछ फिटिंग किया था बट वो गड़बड़ हो गया है, तो वापस उसको ओपन कर रहे हैं. सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्या बनाया है हम लोगों ने वो देखना मत भूलेगा. टिल देन बाय.